सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरबाइक चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS की रिडियन का, जो कि TVS का एक न्यू मॉडल है विथ न्यू फीचर्स। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको 100cc या 110cc की बाइक में देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आपको सेफ्टी की 90% प्रोसेस आपको देखने को मिल जाती है इस बाइक में। जैसे कि आप इसका एक साइड लुक देख रहे हैं, जो कि आपको बता देता हूँ, जो इसको एक बहुत ही अच्छा सा अग्रेसिव लुक देते हैं, जो इस बाइक को एक कम्यूटर सेगमेंट बाइक का फीलिंग देते हैं। जैसे कि उसके टैंक में देख रहे हैं, इसमें आपको रबर पैड मिलता है जो आपकी थाई को एक अच्छी सी ग्रिपिंग देता है। उसमें आपको इंजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इंजन में भी पेंट जॉब अच्छे से किया गया है, गोल्डन कलर में आपको उसका पेंट मिलता है, जो रेड कलर से आप TVS देख सकते हैं, वो इस बाइक को एक अग्रेसिव सा लुक देता है। बात करते हैं उसके एग्जॉस्ट की, तो इसमें आपको निकल एग्जॉस्ट मिलता है। अब फ्रेंड्स निकल एग्जॉस्ट मतलब इसमें जो इसमें रस्ट नहीं लगेगा, मतलब इसमें जंग नहीं लगेगा जल्दी, ये सालों साल चलता रहेगा। बात करते हैं इसके रेयर लुक से, इसके बैक से आप देख सकते हैं वही कॉमन से इसमें आपको रेयर लुक देखने को मिलता है, जो आपको हर 100cc या 110cc की बाइक में देखने को मिलता है। वही सेम टेल लाइट, बस इंडिकेटर्स में आपको बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, वह मैं आपको हमारी आगे की अभी वीडियो में आप देखें, मैं आपको उसका इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ क्या इसमें चेंजेस करे गए हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिले जाते हैं, जो इस बाइक के इंडिकेटर्स को डैमेज होने से बचाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसके इंडिकेटर को इतना मरोड़ रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके इंडिकेटर्स में कोई चेंजेस नहीं, ये टूट नहीं रहे हैं जल्दी से। इनकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। ओवरऑल जो बाइक का रिव्यू है ना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा है। लुक्स परफॉर्मेंस में जो आपको बाइक चाहिए इस जनरेशन में अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया है, और अगर आपको एक अच्छा लुक्स और अच्छे माइलेज साथ कोई अच्छी सी बाइक चाहिए, तो TVS रिडियन एक बेस्ट ऑप्शन है। आप उसे बाय कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी कम्यूटर सेगमेंट बाइक है। अगर आप 100cc या 110cc की बाइक खरीदने जा रहे हैं, तो आप अपने नियर बाय शोरूम जाएं, आप TVS की रिडियन को राइड करके देखें, इसकी परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 109.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8 BHP की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से, तो इसमें आपको वही सेम फ्रंट लुक देखने को मिलता है जो आपको हर 100cc या 110cc की बाइक में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट प्लस इसमें आपको डाउन में LED DRS देखने को मिलते हैं, जो आपकी बाइक को एक नाइट में एक अच्छा सा लुक देते हैं, एक अग्रेसिव सा लुक देते हैं। तो दोस्तों अगर आप 100cc या 110cc की बाइक को बाय करने जा रहे हैं, तो TVS रिडियन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये बजटेबल बाइक है, मतलब अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो आप इस बाइक को बाय कर सकते हैं। अराउंड 50,000-55,000 इसकी शायद एक शोरूम प्राइस है, शायद, मैं आपको श्योर नहीं हूँ मैं। तो अब बात करता हूँ उसके ब्रेकिंग के बारे में। इसमें आपको SBT ब्रेकिंग दी जाती है और इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक दिए जाते हैं। जैसे कि आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उसके फ्रंट का भी ब्रेक धीरे धीरे से अप्लाई होता है। बात करते हैं उनके टायर्स की, तो इसमें आपको 130mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे फ्रंट में, और 90x90 का इसमें आपको फ्रंट टायर का साइज़ मिलेगा, और जो आपको बैक में सो का आपको जो टायर का साइज़ मिलेगा वो आपको 90x90 का मिलेगा सेम फ्रंट की तरह, और इसमें आपको 110mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। और जैसे कि स्टार्ट करके बताता हूँ, इसके आप टेल लाइट की डिज़ाइन देख सकते हैं पीछे से, वही सेम सी डिज़ाइन है जो आपको हर कॉमन 100cc या 110cc की बाइक में आपको देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो बेसिक से इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको देखने को मिलता है, जैसे इकोनॉमी और पावर का, और लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स जो आप देख रहे हैं, और हाँ इसमें आपको साइड स्टैंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। तो जैसे कि उसको आप मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को,
तो अब बात करते हैं ऐसे स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें आपको डाउन में चॉक का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स की स्विचेस की बिल्ड कॉपी काफ़ी हद तक बहुत ही बेस्ट है। लेकिन हाँ, इसमें आपको किल स्विच का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है और किक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अब बात करता हूँ मैं इसके सीट के बारे में। आपको लंबी सीट दी जाती है जिसकी कुशनिंग भी बहुत कंफर्टेबल है, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें 3 लोग को बैठ के आराम से कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे वीडियो में इसके लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपको टीवीएस रेडियो ऑन के बारे में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी सेफ्टी की एडवाइस देना चाहूँगा, आप 52-55,000 तक की बाइक बाय कर लेते हैं, लेकिन आप हेलमेट नहीं बाय करते हैं जो कि 1000 और 1500 की रेंज में आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप हेलमेट भी बाय करें, वो आपकी सेफ्टी का एक पहला नियम है, आप उसको बाय करें और तभी आप इस बाइक को एक कंफर्टेबल राइड करें।